सबसे ज्यादा नौकरी देते थे वो बंद हो गई। इस 26 पे हमारे ऑल इंडिया नेतृत्व यहाँ पे मौजूद है, कॉमरेड अतुल कुमार अंजान, कॉमरेड डी राजा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय सचिव, कॉमरेड बिगना करत भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की पॉलिट ब्यूरो से सेक्रेटरी, कॉमरेड बिजु नायक, कॉमरेड कविता कृष्ण की तमाम लीडरशिप ने यह निर्णय लिया है कि तमाम पार्टियों का एक ही एक वक्ता बोलेगा और सभी वक्ताओं से अनुरोध भी है कि वो अपने वक्तव्य को 10 मिनट के अंदर खत्म करेंगे। सबसे पहले लेकिन बहुत सारी क्रूर सरकारों की राज, लेकिन ऐसे सरकार शायद हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है। क्योंकि ये माइक का आवाज उल्टा जा रहा है, पहली बार देखने को मिल रहा है कि लोगों की दुख और पीड़ा पर खड़े होकर वो अपना झंडा फहराकर जश्न मना रहे हैं। आज सुबह की अखबारों ने ये आंकड़ा पेश किया कि पिछले 8 महीने में 20 लाख मजदूर जो असंगठित क्षेत्र के थे, जो छोटे छोटे फैक्ट्रियों में काम करते थे, नोटबंदी के खिलाफ बिहार से आए हुए मजदूर, उत्तर प्रदेश से आए हुए मजदूर, देश के कोने कोने से गरीब मजदूर गांव में मार खाकर, गांव की उनकी गलत नीतियों का मार खाकर शहर में आकर रोजगार का अवसर ढूंढे, और पिछले 7 महीने में इस प्रकार की 20 लाख मजदूरों के हाथों से इन्होंने नौकरी छीनी है और उसकी दुख और पीड़ा पर आज वो जश्न मना रहे हैं। इससे ज्यादा क्या शर्म की बात हो सकती है? मेरे प्रिय साथियों, इस नोटबंदी के कारण, इस जीएसटी के कारण हम लोग जानते हैं कि आज मजदूरों के साथ साथ किसानों की क्या हालात है। उस नोटबंदी के समय फसल काट कर आ रहा था बाजारों में। हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान का पूरा कृषि क्षेत्र कैश आधारित है, नगद पैसा आधारित है। उस नोटबंदी करके उन्होंने तमाम किसानों की जो हालात थे और बिगाड़ कर उन्होंने उसको और भी कर्जा में डुबाया है। किसान की कर्जे की डूबते हुए आंसू के साथ आज वो खड़े होकर जश्न मना रहे हैं। शर्म आना चाहिए मेरे प्रिय साथियों। इसके साथ साथ यह मध्यम और छोटे उद्योग है, उनके भी ऊपर भी पूरा असर पड़ा है और सरकारी आंकड़े स्वयं बता रहे हैं कि देश का जो तथाकथित ग्रोथ रेट है वो 2% गिरा है इस नोटबंदी और जीएसटी के कारण। ये है मोदी सरकार का काला रिकॉर्ड।